भारत की पूर्व विदेश मंत्री व भाजपा नेत्री सुषमा स्वराज का आज द्वितीय पुण्यतिथि है। इसे लेकर हरमू स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि सुषमा स्वराज जी एक प्रखर वक्ता थी, वह एक अद्वितीय महिला थी। आज हम उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री गंगोत्री कुजूर ने कहा कि वह सबके हितों में सोचने वाली एक मिलनसार महिला थी, जिन्हें कभी बुलाया नहीं जा सकता। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर हम सब उन्हें नमन करते हैं। और आज अपने पूरे भारतवर्ष में जो उन्होंने एक मिसाल कायम किया, एक प्रखर वक्ता के रूप में, ओजस्वी कार्यकर्ता के रूप में, और अपने बहनों के बीच विशेषकर उनका जो ये है, जो प्रेरणा है, सभी के दिलो दिमाग में छाया हुआ है। आज हम सभी झारखंड प्रदेश की जो बहनें हैं, वो भी उनके जो मार्गदर्शन दिए हुए हैं उनके अनुसार चलने का प्रयास हम करते हैं। हमें याद होता है जब उनका संरक्षण, उनके साथ काम करने का भी हमें मौका मिला। प्रबोधनी मुंबई में जब एक कार्यक्रम हुआ था तो हम सभी वहाँ पर थे, पूरे प्रदेश से थे, पूरे देश की बहनें वहाँ पर इकट्ठी थी। सभी के कंधों पर हाथ रखकर, स्पेशल उनका एक बहुत ही बड़ा ये था आशीर्वाद देने के साथ कि तुम लोग आगे बढ़ो और कार्य को बिल्कुल नंबर वन में लाने का कोशिश करो। आप लोग कार्यकर्ता हो तो कार्यकर्ता ऐसे होने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाओं का जो श्रेय जाना चाहिए, सर्वोच्च शिखर तक जो पहुंचने का मार्ग है उसे प्रशस्त करो। ऐसा उनका एक उद्बोधन था जो आज भी अपने जहन पे वो दिन याद आती है। और पुनः हम यही कहेंगे कि हमारी बहनों को एक संदेश है कि उनके जैसा प्रखर वक्ता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, वो ओजस्विता जो उनका था, वैसे भरकर हम सभी उस मार्ग पर चलने का एक प्रयास करेंगे और आगे बढ़ने का। आज हमारी मतलब कह दे एक महिला सशक्तिकरण की एक मजबूत प्रतीक कह दे, और प्रखर वक्ता, ओजस्वी वक्ता, और महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने वाली और ये साबित करने वाली कि महिलाएं किसी भी मोर्चे में कम नहीं है और जहां भी उसकी जिम्मेदारी मिलती है वो खूब निभाती है, ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रखर हमारी नेता रही। आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है। इस द्वितीय पुण्यतिथि में हम उन्हें याद करते हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, और उनके योगदान जो है, हम महिला मोर्चा के लिए उनका योगदान, पूरे पार्टी के लिए तो है ही, लेकिन हम महिला मोर्चा के लिए उनका जो कार्य है अनुकरणीय है, और उनका जो काम और उनके द्वारा जो सिखाया हुआ जो काम है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके जैसा हम लोग करें, उनके तक तो नहीं करेंगे, उसके जैसा करने का हम कोशिश करेंगे और पार्टी को एक नई ऊंचाई तक हम लोग भी ले जाएंगे, और महिला सशक्तिकरण का जो एक मिसाल कायम की थी उस मिसाल को हम आगे लेके बढ़ाएंगे।